स्थल खुलवाओ भैया का हिस्सा था रूम रूम खुलवाओ आग लगा दीजिएगा जब कर लीजिएगा क्या दिक्कत आएगा आप पेपर लेके नहीं जाएंगे आपको नहीं दिखाएंगे तब आप हमको जूता से मारिएगा क्या दिक्कत अरे यहाँ पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र के हमारी गांव में अवैध रूप से खाद की बिक्री की सूचना मिलने पर सत्यापन हेतु गए कुकरोनपुर पंचायत के किसान सलाहकार मोहम्मद इकबाल के साथ उक्त दुकानदार ने जमकर मारपीट किया और उनका मोबाइल और बाइक छीन लिया। इस दौरान सलाहकार पर जानलेवा हमला भी किया गया, जिसके बाद किसी तरह सलाहकार वहां से जान बचाकर भागे एवं उन्होंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं जीवन सिंह धमदाहा थाने पहुंचे और वहां से थाने के एसआई और पुलिस बल को लेकर दुकानदार आलोक यादव उर्फ चीकू यादव के दुकान पर अमारी पहुंचे, जहां दुकानदार पुलिस के सामने प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं किसान सलाहकार से उलझ गया एवं पुलिस और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के सामने ही किसान सलाहकार को जमकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी उस दुकानदार को दस्तावेज दिखाने का बात करते रहे, लेकिन दुकानदार ने एक भी दस्तावेज नहीं दिखाया एवं अपने समर्थक को वहां जमा कर जांच पड़ताल को ही बाधित करने लगा, जिसके बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने इसकी सूचना धमदाहा एसडीओ राजीव कुमार को दिया। सूचना मिलने के बाद एसडीओ मौके पर पहुंचे और उक्त दुकानदार को गोदाम खोलने के आदेश देते रह गए, लेकिन दुकानदार ने गोदाम की चाबी एसडीओ को नहीं दिया। हालांकि इस दौरान एसडीओ के द्वारा पहल किए जाने पर उक्त दुकानदार ने सलाहकार का मोबाइल एवं बाइक लौटा दिया, लेकिन दुकानदार का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि उसने बाहर में रखे खाद के बोरे में से जब प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने जांच हेतु सैंपल लिया तो वह भी उस दुकानदार ने पुलिस के सामने ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी से छीन लिया। हालांकि बाद में काफ़ी मशक्कत के बाद अधिकारियों की टीम ने कुछ सैंपल एवं कुछ कीटनाशक की बोतलें को सैंपल के रूप में लाने में सफलता पाई। इस पूरे मामले का वीडियो ही बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी धमदाहा थाने से गए हुए एसआई से कह रहे हैं कि यह दुकानदार सरकारी कार्य में बाधा डाल रहा है और इसने शराब पिया हुआ है, इसे गिरफ्तार कीजिए। लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस के सामने वह दुकानदार लगातार हो हंगामा करता रहा और करीब 2 घंटे बाद वो वहां से फरार भी हो गया। इस दौरान कई घंटों तक दुकानदार पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और बाद में थक हार कर सभी अधिकारी एवं धमदाहा थाने की पुलिस गोदाम को सील कर वहां से बेरंग वापस लौट गई। इस संबंध में पूछे जाने पर बीएओ रामजीवन सिंह ने बताया कि किसान सलाहकार के द्वारा थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं थाना अध्यक्ष रंजन सिंह ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भैया तोड़ दीजिए।
भैया तू हटा नहीं है अरे जब भैया का हिस्सा था रूम उसको कुछ नहीं है दूसरा चाबी है तीसरा चाबी है नहीं है कुछ नहीं है बड़ा भाई का हिस्सा कुछ बड़का का वहाँ से लीक पढ़ लिया लीक पढ़ लिया आग लगा दीजिएगा जब्त कर लीजिएगा क्या दिक्कत आएगा आप पेपर लेके नहीं जाएंगे आपको नहीं दिखाएंगे तब आप हमको जूता से मारिएगा क्या दिखा अरे यहाँ घर पर आए हैं तो दिखा नहीं पा रहे आप आपके ऑफिस में जाएंगे सर कहना मीडिया वाला बोले आपके ऑफिस में जाएंगे अभी आप काहे नहीं दिखा रहे हैं अभी है तो दिखा नहीं दिखा रहे हैं कि जो दुकान है मेरे मम्मी के नाम से जयमाला ट्रेडिंग एजेंसी ऑपरेटर जो है मेरे भाई साहब है मैं उनका छोटा भाई हूँ लाइसेंस है तो दिखा लेबर तौर पे मैं रहता हूँ ठीक है ऑपरेटर घर में नहीं है ठीक मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ पेपर लेकर के मैं कल जाऊंगा दारू भी पिए हुए जो मुंह सुन लीजिए सर दारू भी पिए हुए हैं सर दुकान भी नहीं खोल रहा है जिस दारू पीने के रहा दारू पे हम सर बोल रहा है साहब कि तुम दारू पिया है इधर से तो चाटिए बोल रहा तुम पागल है हम तो किया बना का जी कर लोगे सर ना ना कर ये ए बैठाइए गाड़ी में इसको गाड़ी में बैठाइए अब हर खबर पर होगी हमारी नजर पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।